कौन हो तुम लोग और मुझे किडनैप क्यों कर लिया है? यश, अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, ये तुम्हारा आखिरी दिन है। लेकिन ये सब हुआ कैसे? रात के करीब 2 बज रहे थे और यश अपनी लैब में भूतों पे एक्सपेरिमेंट कर रहा था। यश एक भूत को पकड़ के लाल रंग के पानी में डाल देता है तो वो भूत जोर जोर से रोने लगता है। प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे कुछ मत करना। पहले तो तुम लोग भूत बनकर लोगों को परेशान करते हो और फिर पकड़े जाने पर रोने लगते हो। यश उस भूत को दोबारा से प्रिजन में रख देता है और वापस अपने बेडरूम में आ जाता है। यश को नींद आ रही थी इसलिए यश अपनी बालकनी में जाकर नीचे की तरफ देखने लगता है। यश का घर बादलों के ऊपर था और नीचे पूरा जंगल एरिया था। यश को भूख लगती है तो अपनी बाइक लेता है और हवा में उड़कर नीचे जमीन पर आ जाता है। यश बाइक से सीधा मार्केट पहुंच जाता है लेकिन मार्केट की सारी दुकानें बंद थी। अरे यार, यहाँ तो एक भी दुकान खुली नहीं है। यश चारों तरफ अच्छे से देखता है और समझ जाता है कि मार्केट की एक दुकान खुली है। यश दुकान का दरवाजा खटखटाता है। कोई है? मुझे कुछ सामान लेना था। यश की आवाज सुनते ही एक आदमी अंदर से दुकान का शटर खोलता है। अंकल, मुझे कुछ खाने का सामान चाहिए था। इसके बाद यश दुकान के अंदर जाकर सामान लेने लगता है। वो दुकान का मालिक कुर्सी पर बैठकर यश को घूर रहा था। कुछ तो गड़बड़ है भाई। तभी अचानक यश की नजर सामने रखी हुई तेल की बॉटल्स पे पड़ती है और यश समझ जाता है कि यहाँ पर भूत है। यश अपनी घड़ी को देखता है लेकिन उसके हाथ में घड़ी नहीं थी। अरे यार, मैं घड़ी तो घर पे ही भूल गया। यश तुरंत उस दुकान मालिक की तरफ देखता है लेकिन वहां पर कोई नहीं था और कुर्सी खाली थी। अभी अभी तो दुकान मालिक कुर्सी पर बैठा था, अचानक कहाँ गायब हो गया। जरूर यहाँ पर बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है। खुद को बचाने के लिए यश दुकान के पीछे बनी हुई सीढ़ी की तरफ दौड़ता है लेकिन तभी अचानक यश के सामने वो दुकानदार आ जाता है। यश उसे एक जोरदार किक मारता है जिससे वो दुकानदार डर जाता है और सीढ़ी की ऊपर की तरफ भागता है। यश उसका पीछा करता है और पीछा करते करते छत के ऊपर पहुंच जाता है। छत के ऊपर वो भूतिया दुकानदार यश को कहीं नहीं मिलता। तभी यश को छत के ऊपर एक कमरा दिखाई देता है और यश उस कमरे के अंदर चले जाता है। कमरे के अंदर चारों तरफ अंधेरा था और किसी चीज के गिरने की आवाज आ रही थी। यश हिम्मत करके धीरे धीरे कमरे के अंदर जाने लगता है। तभी अचानक यश के पैर में कुछ चुभ सा जाता है। यश को बहुत तेज दर्द होता है और यश तुरंत कमरे से बाहर आ जाता है। कमरे से बाहर आते ही यश अपने पैर को देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। यश के पैर में एक कीला चुभ गया था और बहुत सारा खून बह रहा था। मैंने जूते पहन रखे थे फिर भी कीला जूते के आर पार हो गया। यश को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। यश के पास ना तो उसका मोबाइल था, ना गन थी और ना उसकी घड़ी। यश अपना रुमाल निकालकर घाव में बांध देता है और लंगर लंगर कर बाहर जाने का रास्ता खोजने लगता है। यश छत के ऊपर से नीचे देखता है तो उसकी बाइक नीचे खड़ी हुई थी लेकिन यश बिना घड़ी के बाइक को एक्टिवेट नहीं कर सकता था। मैं वापस सीढ़ियों से गया तो वहाँ भी भूत है और शटर भी बंद है। यश नीचे जाने के लिए छत के ऊपर से झाँक कर देखता है तो उसे नीचे बहुत सारे छज्जे बने हुए दिखते हैं। यश छज्जे की मदद से नीचे जाने का सोच ही रहा था लेकिन तभी अचानक वहाँ पर उस अंधेरे कमरे से भूतिया दुकानदार बाहर निकल कर आ जाता है। और इसके पहले कि यश कुछ कर पाता वो भूतिया दुकानदार यश को छत से नीचे गिराने की कोशिश करने लगता है लेकिन यश अपनी स्किल का यूज करके नीचे झुक जाता है और उस भूतिया दुकानदार को छत से नीचे फेंक देता है। छत से नीचे गिरते ही वो भूतिया दुकानदार एक डरावना भूत बन जाता है और वहां से गायब हो जाता है। यश छज्जे पे कूदना शुरू करता है। यश सबसे पहले राइट साइड वाले छज्जे पे पहुंच जाता है और उसके बाद अगले वाले छज्जे पर छलांग लगाकर पहुंच जाता है। ऐसा करते करते यश फाइनली सबसे लास्ट वाले छज्जे पर पहुंच जाता है जहां से जमीन बिल्कुल पास में थी। यश वहां से नीचे छलांग लगा देता है लेकिन छलांग लगाने की वजह से यश के पैर से ज्यादा खून निकलने लगता है। लेकिन यश हिम्मत नहीं हारता और लंगड़ा लंगड़ा कर बाइक के पास जाने लगता है लेकिन तभी अचानक वहां पर दो भूत आ जाते हैं और यश को घेर लेते हैं। आज मेरी गन मेरे पास नहीं है इसलिए तुम लोग मुझे परेशान कर रहे हो, वरना मैं तुम लोगों को देख लेता। यश की बात सुन दोनों भूत जोर जोर से हंसने लगते हैं और एक भूत पीछे से जाकर यश का पैर खींच देता है और यश धड़ाम से नीचे गिर जाता है। कौन हो तुम लोग और मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? तभी भूत हंसते हुए यश से कहता है, हमें भूतों की रक्षक ने तुम्हें पकड़ने के लिए भेजा है। इम्पॉसिबल, मैंने भूतों की रक्षक को शहर के सबसे बड़े जासूस डिटेक्टिव मेहुल के हवाले कर दिया था, तो फिर वो बला बाहर कैसे आ गई? यश भूतों की रक्षक के बारे में सोच ही रहा था कि तभी अचानक वो दोनों भूत एक जादुई जाल यश के ऊपर फेंक देते हैं और उसमें यश फंस जाता है और उसके बाद वो दोनों भूत यश को लेकर हवा में उड़ जाते हैं और यश की बाइक वहीं की वहीं खड़ी रह जाती है। उधर पुलिस मेहुल को रात के 3 बजे कॉल करती है लेकिन मेहुल सो रहा था और उसका मोबाइल टेबल पे रखा हुआ था। पुलिस मेहुल को कई बार कॉल करती है और फाइनली मेहुल की नींद खुल जाती है। इतने रात को कौन कॉल कर रहा है?
मेहुल कॉल रिसीव करता है तो पुलिस मेहुल को बताती है कि भूतों की रक्षक अचानक कालकोठरी से गायब हो गई है। ये खबर सुनकर मेहुल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और मेहुल तुरंत अपनी ड्रेस पहनने लगता है। मुझे अपनी ब्लास्टिंग गन अपने साथ ले जाना चाहिए कि मामला बहुत सीरियस है। मेहुल अपनी ब्लास्टिंग गन में बुलेट भर लेता है और जेल की तरफ निकल पड़ता है। इंस्पेक्टर, ये सब कैसे हुआ? तब पुलिस वाले मेहुल को बताते हैं कि रात का समय था, इसलिए सिक्योरिटी गार्ड को छोड़कर बाकी सारे लोग सो रहे थे, लेकिन तभी अचानक झील के अंदर तेज रोशनी पैदा हुई और भूतों की रक्षक गायब हो गई। मेहुल उस कमरे में जाता है जहां पर भूतों की रक्षक को रखा गया था। कमरे में अच्छी तरह से छानबीन करने के बाद मेहुल पुलिस से कहता है, इंस्पेक्टर, जेल में किसी आदमी ने भूतों के रक्षक को भागने में हेल्प की है। जेल की दीवार पर एक पोस्टर लगा हुआ है और उस पोस्टर में एक छेद है जो काला दिख रहा है, जबकि दीवार का कलर तो व्हाइट है। मतलब अगर पोस्टर में छेद है तो उसके पीछे दीवार का व्हाइट कलर दिखना चाहिए था, ब्लैक कलर नहीं। मतलब कुछ तो गड़बड़ है। मेहुल पोस्टर निकाल के देखता है तो उसके होश हो जाते हैं। पोस्टर के पीछे एक सुरंग बनी हुई थी। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब जेल के किसी आदमी ने भूतों के रक्षक को सुरंग बनाने के लिए सामान दिया होगा। इसके बाद मेहुल तुरंत यश द गोस्ट हंटर को कॉल करता है, लेकिन यश कॉल रिसीव नहीं करता। मेहुल कई बार यश को कॉल करता है लेकिन यश कॉल रिसीव ही नहीं कर रहा था। यश तो रात भर जाकर भूतों को पकड़ता है, तो फिर भला वो कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रहा है? जरूर कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है। मेहुल यश को बार बार कॉल कर रहा था लेकिन यश कॉल रिसीव ही नहीं कर रहा था क्योंकि यश किडनैप हो चुका था। मेहुल काफी टेंशन में आ जाता है। मेहुल तुरंत शहर की सारी पुलिस को भूतों के रक्षक के बारे में इन्फॉर्म कर देता है और इसके बाद मेहुल जेल के इंचार्ज से पूछता है, इंस्पेक्टर, इस जेल के इंचार्ज तुमो, अब मुझे सच बताओ कि भूतों के रक्षक को किसने हेल्प की? सर, मैं तो सो रहा था लेकिन रात के समय तीन सिक्योरिटी गार्ड पहरेदारी कर रहे थे। उन तीनों को यहाँ बुलाओ। इंस्पेक्टर तीनों सिक्योरिटी गार्ड को मेहुल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। मेहुल तीनों से पूछताछ करता है। पहला गार्ड कहता है, सर मुझे नींद आ रही थी इसलिए मैंने सोचा कॉफी बना लूं, लेकिन दूध खत्म हो गया था इसलिए मैं दूध लेने बाहर चला गया था। दूसरा गार्ड कहता है, सर मेरे मोबाइल का सारा डाटा खत्म हो गया था इसलिए मैं एयरपोर्ट से गाने सुनते सुनते सो गया। तीसरा सिक्योरिटी गार्ड कहता है, सर मेरी ड्यूटी तो बाहर थी और बाहर वाली दीवार का रंग नीला है इसलिए मेरे कपड़ों पे भी नीला रंग लग गया है। पहला वाला सिक्योरिटी गार्ड इतनी रात को बाहर दूध लेने कैसे जा सकता है? इतने रात को उसको दूध कहाँ मिलेगा? और तीसरे वाले सिक्योरिटी गार्ड के कपड़ों को ध्यान से देखिए, कपड़ों में दीवार का कलर लगा नहीं बल्कि लगाया गया है। भला सामने से कपड़ों में कलर कैसे लगेगा? मतलब पहला और तीसरा सिक्योरिटी गार्ड झूठ बोल रहे हैं। मेहुल दोनों सिक्योरिटी गार्ड को पकड़ लेता है और एक एक थप्पड़ मारकर पूछताछ करता है। तब पहला गार्ड कहता है, सर तीसरे वाले सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे एक सुरंग बनाने वाली मशीन दी थी और कहा था कि इसे भूतों की रक्षक को दे देना, बदले में मुझे 1,00,000 रुपए मिलेंगे। मेहुल को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो तीसरे वाले सिक्योरिटी गार्ड की कॉलर पकड़ लेता है। पैसे के लिए तुमने भूतों की रक्षक को जेल से भागने में मदद कर दी, अब सच सच बताओ तुम्हें पैसे किसने दिए थे? सर मुझे एक लड़की ने बहुत सारे पैसे दिए थे और कहा था कि भूतों की रक्षक को जेल से बाहर निकालना है। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। उस लड़की के बारे में पता करना ही होगा। और फिर मेहुल सिक्योरिटी गार्ड से उस लड़की के बारे में पूछताछ करता है और सिक्योरिटी गार्ड बताता है कि वो लड़की जंगल में रहती है और उसने वहीं पर पैसे लेने के लिए बुलाया था। मेहुल पुलिस कमिश्नर को कॉल करके उन दोनों को सस्पेंड करवा देता है और पुलिस दोनों सिक्योरिटी गार्ड को अपने कस्टडी में ले लेती है। मुझे यश के घर जाना होगा और उसकी मदद लेनी होगी क्योंकि मैं अकेला भूतों के रक्षक को नहीं पकड़ पाऊंगा। मेहुल तुरंत अपनी गाड़ी से यश के घर की तरफ निकल पड़ता है। थोड़ी देर बाद मेहुल यश के घर के नीचे पहुंच जाता है, लेकिन यश का घर तो बादल के ऊपर था। यश ने मुझे इसी जगह का एड्रेस दिया था लेकिन यहाँ पर तो उसका घर कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। मेहुल थोड़ी देर तक आसपास यश का घर ढूंढता है, तभी अचानक मेहुल की नज़र बादलों के ऊपर पड़ती है। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। यश का घर तो बादलों के ऊपर है, ये बंदा तो बहुत बड़ा खिलाड़ी निकला। इसके बाद मेहुल यश को कॉल करता है लेकिन यश फिर कॉल रिसीव नहीं करता। मुझे यश के मोबाइल की लोकेशन ट्रैक करनी होगी, क्या पता यश घर पे ही ना हो। इसके बाद मेहुल यश के मोबाइल की लोकेशन ट्रैक करवाता है तो उसकी लोकेशन मेहुल के थोड़ी ऊपर ही आ रही थी। यश का मोबाइल तो घर के ऊपर ही है, फिर यश मेरा कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रहा है? जरूर कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। मेहुल यश तक पहुँचने का रास्ता खोजने लगता है लेकिन उसे कोई उपाय नहीं मिलता। मेहुल को कैसे भी करके यश से कॉन्टैक्ट करना था क्योंकि भूतों की रक्षक जेल से भाग चुकी थी। अब मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, मुझे यश के घर पे फायरिंग करनी होगी ताकि यश फायरिंग की आवाज़ सुन सके। मेहुल अपनी गन निकालता है और यश के घर के ऊपर फायरिंग करने लगता है। मेहुल की एक गोली यश के घर के छज्जे में लगती है और ब्लास्ट हो जाता है, लेकिन फिर भी यश घर से बाहर नहीं निकलता। यश का रिस्पॉन्स क्यों नहीं आ रहा है? जरूर कोई बहुत बड़ी गड़बड़ है। सुबह के 5 बजने वाले हैं, अब तक तो आलिया भी जाग गई होगी। मेहुल तुरंत आलिया को कॉल करता है लेकिन आलिया उस समय अपने घर के अंदर कराटे की प्रैक्टिस कर रही थी इसलिए वो मेहुल का कॉल अटेंड नहीं कर पाती।
आलिया बॉक्सिंग बैग को सामने की तरफ एक जोरदार किक मारती है, जिससे सामने वाले दोनों पुतले नीचे गिर जाते हैं और फिर आलिया तुरंत जमीन पर लेट जाती है और इतने में बॉक्सिंग बैग वापस आकर पीछे वाले दोनों पुतलों को भी हिट कर देता है और चारों पुतले नीचे गिर जाते हैं। आलिया की कराटे स्टाइल के लिए एक लाइन तो जरूर बनता है। प्रैक्टिस खत्म करके आलिया बेडरूम की तरफ जा रही थी। आलिया काफी हाफ रही थी। बेडरूम में पहुंचकर आलिया अपना मोबाइल देखती है तो उसमें मेहुल के 8 मिस कॉल थे। अरे बाप रे, मेहुल सर के 8 मिस कॉल, अब तो मर गई। आलिया डरते डरते मेहुल को कॉल करती है। सॉरी सर, वो मैं। तुम क्या मैंने कर रही हो? क्या हो गया है तुम्हें? तुम्हारी सांस क्यों फूल रही है? सर मैं कराटे की प्रैक्टिस कर रही थी। इसके बाद मेहुल आलिया को सारी बात बताता है और उसे कहता है, मैं तुम्हें अपनी लोकेशन सेंड करता हूँ, जल्दी से यहाँ आ जाओ, यहाँ पर बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। आलिया तुरंत अपनी ड्रेस पहनती है और अपनी स्कूटी से मेहुल की बताई लोकेशन पर निकल पड़ती है। आलिया को जल्दी से जल्दी मेहुल के पास पहुँचना था, इसलिए आलिया अपनी स्कूटी का सुपर स्पीड वाला बटन प्रेस करती है और स्कूटी में सुपर स्पीड एक्टिवेट हो जाती है। थोड़ी देर बाद आलिया मेहुल के पास पहुँच जाती है। मेहुल उस समय किसी को कॉल कर रहा था। इतनी सुबह सुबह कोई कॉल नहीं उठा रहा है, सबके सब सो रहे होंगे। सर मेरी बात मानिए और आर्मी वालों की हेल्प लीजिए। तुम बिल्कुल सही कहती हो आलिया, हमें आर्मी के हेलीकॉप्टर से यश के घर तक जाना होगा। मेहुल तुरंत आर्मी वालों को कॉल करता है और थोड़ी देर बाद आर्मी का एक हेलीकॉप्टर मेहुल के पास पहुंच जाता है। मेहुल पायलट से कहता है, सर हमें बादल के ऊपर बने उस घर में जाना है, हमें जल्दी से जल्दी ऊपर लेके चलिए। मेहुल और आलिया हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं और हेलीकॉप्टर यश के घर की तरफ जाने लगता है। पायलट हेलीकॉप्टर को यश के घर में लैंड कर देता है। मेहुल और आलिया तुरंत हेलीकॉप्टर से उतर के यश के घर में जाने लगते हैं। आलिया तुम उस तरफ जाओ और मैं यहाँ देखता हूँ। आलिया यश के बेडरूम की तरफ चले जाती है और मेहुल यश की लैब में यश को ढूंढने लगता है। यश तुम कहाँ हो? यश भैया आप कहाँ हैं? लैब के अंदर प्रेशर में बहुत सारे भूत रखे हुए थे। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। मेहुल लैब के अंदर भूतों को देख ही रहा था तभी आलिया के चिल्लाने की आवाज आती है, सर सर जल्दी आइए सर। मेहुल दौड़कर आलिया के पास पहुंच जाता है। ये देखिए सर, यश की घड़ी और बैग यहाँ पर रखा हुआ है और यश यहाँ पर नहीं है। और मेहुल और आलिया यश के घर में छानबीन कर रहे थे ताकि यश के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिल सके। तभी मेहुल को किसी के होने का एहसास होता है। मेहुल आसपास देखता है तो उसे एक भूत दिखाई देता है। आलिया भी ये देख लेती है। आलिया जंप करके यश के घर के पास पहुंच जाती है, उसे उठाती है और गोस्ट को पकड़ लेती है। सर ये यश की गन तो बड़ी हैवी है, यश कैसे इसे इतने आसानी से उठा लेता है? इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ये यश तो अजब गजब इंसान है, मुझे भूतों के नाम से नींद नहीं आती और ये दिन रात उनसे खेलता रहता है। आलिया चलो वापस, हमें कैसे भी करके यश को ढूंढना होगा। इसके बाद मेहुल और आलिया यश के घर के बाहर आ जाते हैं जहाँ पर पायलट हेलीकॉप्टर लेके इंतजार कर रहा था। सर हमें वापस नीचे छोड़ दीजिए। मेहुल और आलिया हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं और पायलट उन्हें दोबारा से नीचे छोड़ देता है और अपना हेलीकॉप्टर लेके वहाँ से चला जाता है। आलिया मैं पास वाले पुलिस स्टेशन में जाकर पता करता हूँ, तब तक तुम मार्केट में जाकर पता करो और अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन मिले तो मुझे तुरंत कॉल करना। इसके बाद मेहुल और आलिया अपनी अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से चले जाते हैं। मेहुल पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। पुलिस स्टेशन के अंदर पुलिस 3 चोरों की पिटाई कर रही थी और उनसे पूछताछ कर रही थी। पहला आदमी कह रहा था, मैं कल रात सीढ़ियों से गिर गया था और सिर से बहुत सारा खून निकल रहा था, इसलिए मैं डॉक्टर के पास पट्टी करने चला गया था, मैंने चोरी नहीं की है। दूसरा आदमी कहता है, मैं कल रात दूसरे शहर गया था, ये देखिए उसके ट्रेन की टिकट। तीसरा आदमी कहता है, मेरा तो हाथ टूटा हुआ है, फिर मैं भला चोरी कैसे कर सकता हूँ। तीनों की बात सुनकर मेहुल समझ जाता है कि तीनों में कौन झूठ बोल रहा है। मेहुल तुरंत लॉकअप के अंदर जाता है और उस आदमी के हाथ का प्लास्टर निकाल देता है। देखो इंस्पेक्टर, ये आदमी उल्लू बना रहा है, इसका हाथ टूटा हुआ नहीं है। वाह सर, आप तो वाकई जीनियस है, लेकिन आप कौन है? मैं डिटेक्टिव मेहुल हूँ और अपने दोस्त यश तको सेंटर के बारे में इन्फॉर्मेशन लेने आया हूँ। डिटेक्टिव मेहुल का नाम सुनते ही इंस्पेक्टर तुरंत मेहुल को सल्यूट करता है। सर मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, आज आपको देख भी लिया, बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। तब मेहुल इंस्पेक्टर को सारी बातें बताता है। सर मुझे यश के बारे में तो कुछ भी नहीं पता, लेकिन आज सुबह ही किराना दुकान के बाहर एक स्पेशल लवारिस बाइक खड़ी मिली थी, हमने उसे पुलिस स्टेशन के पीछे रखवा दिया है। इसके बाद मेहुल और इंस्पेक्टर तुरंत पुलिस स्टेशन के पीछे जाते हैं जहां पर वो बाइक खड़ी हुई थी। अरे ये तो यश की बाइक है। मेहुल यश की बाइक को अच्छी तरह से चेक करता है और तुरंत पुलिस वाले के साथ मार्केट की तरफ निकल जाता है जहां पे पुलिस को ये बाइक मिली थी। मेहुल और वो इंस्पेक्टर दुकान के पास पहुंच जाते हैं जहां पुलिस को यश की बाइक मिली थी। वहां पर सारी दुकानें खुली हुई थी। सर हमें इस जगह पर यश की बाइक मिली थी। इंस्पेक्टर जितनी भी दुकानें हैं सबकी तलाशी लो। इसके बाद मेहुल और इंस्पेक्टर दुकानों के अंदर तलाशी लेने लगते हैं। मेहुल और पुलिस वाले काफी देर तक दुकानों की तलाशी लेते हैं लेकिन उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। मेहुल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यश की बाइक मार्केट तक कैसे पहुंच गई
और फिर यश कहाँ गायब हो गया। दुकान से बाहर आने के बाद मेहुल उसी जगह पर खड़ा हो जाता है जहाँ पर यश की बाइक खड़ी थी। मेहुल अपना पूरा फोकस लगाकर चारों तरफ देखने लगता है। मेहुल को एक दुकान पर डाउट आता है और मेहुल समझ जाता है कि जरूर यहाँ पे कोई गड़बड़ हुई है। मेहुल तुरंत छज्जे के पास जाता है और एक कुर्सी की मदद से ऊपर चढ़ जाता है। वहां पर खून के बहुत सारे दाग थे। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, ये तो किसी का खून लग रहा है। मेहुल बिना देरी किए तुरंत खून के सैंपल लेता है और अपने गाड़ी के पास पहुंच जाता है। मुझे सबसे पहले ये सैंपल डॉक्टर संजना के पास पहुंचाना होगा। मेहुल डॉक्टर संजना की लैब की तरफ निकल पड़ता है। रास्ते में मेहुल आलिया को कॉल करता है। आलिया, मैं डॉक्टर संजना के पास जा रहा हूँ, तुम भी वहाँ जल्दी से आ जाओ। इसके बाद मेहुल पूरी स्पीड से अपनी गाड़ी चलाता है और थोड़ी देर बाद डॉक्टर संजना की लैब में पहुंच जाता है। डॉक्टर संजना किसी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही थी। डॉक्टर संजना, जल्दी से इस खून का DNA टेस्ट कीजिए, मुझे तुरंत इसकी रिपोर्ट चाहिए। मेहुल, मैं अभी एक इम्पोर्टेंट रिसर्च कर रही हूँ, तुम थोड़ी देर आराम करो, तब तक मैं कर दूंगी। नहीं डॉक्टर संजना, मेरा दोस्त यश अचानक से गायब हो गया है, मुझे तुरंत इस ब्लड की रिपोर्ट चाहिए। मेहुल को सीरियस देखकर डॉक्टर संजना तुरंत ब्लड को टेस्ट करने लगती है। थोड़ी देर बाद रिपोर्ट तैयार हो जाती है और डॉक्टर संजना मेहुल को बताती है कि ये ब्लड यश तक कोस्ट हंटर का है। इतना सुनते ही मेहुल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इम्पॉसिबल, भला यश को कौन मार सकता है, जरूर इसमें भूतों की रक्षा का हाथ होगा। इसके बाद मेहुल बिना कुछ देरी किए तुरंत दौड़कर लैब से बाहर जाने लगता है। डॉक्टर संजना मेहुल को आवाज लगाती है लेकिन मेहुल डॉक्टर संजना की आवाज नहीं सुनता और वो अपनी गाड़ी से तुरंत जेल की तरफ जाने लगता है। तो सिक्योरिटी गाड़ी बता सकता है कि भूतों की रक्षा को छुड़ाने के लिए उसे किसने पैसे दिए थे। मेहुल तेजी से गाड़ी चलाता हुआ जेल में पहुंच जाता है और तुरंत जाके सिक्योरिटी गार्ड से मिलता है। मुझे तुरंत उस जगह पर लेके चलो जहां पर लड़की ने तुम्हें पैसे दिए थे। सर, वो जगह तो जंगल में है और उस लड़की ने मुझे पैसे लेने के लिए वहीं पर बुलाया था। वो जगह जंगल में हो या मंगल में, तुरंत मेरे साथ चलो। इसके बाद मेहुल सिक्योरिटी गार्ड को लेकर जंगल में उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पे उस लड़की ने सिक्योरिटी गार्ड को पैसे लेने के लिए बुलाया था। यह हवेली तो बहुत पुरानी लग रही है। सर, वो लड़की इसी हवेली के अंदर रहती है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, हवेली के अंदर नहीं जाऊंगा। तुम चिंता मत करो, मेरे रहते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा। इसके बाद मेहुल और सिक्योरिटी गार्ड हवेली के अंदर पहुंच जाते हैं। हवेली बहुत डरावनी थी और वहां पे कोई दिखाई नहीं दे रहा था। मेहुल जोर जोर से आवाज लगाता है। मेहुल की आवाज सुनकर एक लड़की बाहर आती है। वो लड़की तो वही मिस्ट्री गर्ल थी जो यश को मिली थी। मेहुल के साथ वो सिक्योरिटी गार्ड भी था जिसे उस लड़की ने पैसे दिए थे। वो लड़की पूरा मामला समझ जाती है और तुरंत वहां से भागने लगती है। मेहुल उसका पीछा करता है लेकिन एक कमरे के अंदर जाके वो लड़की गायब हो जाती है। मेहुल उसे पकड़ लेता है। सच सच बताओ, तुम कौन हो और तुमने मेरे दोस्त यश तक वो सेंटर के साथ क्या किया? मैं रजनी हूँ। क्या हुआ यश को, वो तो मेरा भी दोस्त है। ज्यादा बनने की कोशिश मत करो, सच सच बताओ तुमने और भूतों के रक्षक ने मिलकर यश के साथ क्या किया? भूतों की रक्षक मिस्ट्री गर्ल रजनी की माँ है, इसलिए उसने पुलिस वाले को पैसे देकर उसे जेल से छुड़वाया। लेकिन वो मेहुल को बताती है कि यश और उसकी किडनैपिंग के बारे में उसे कुछ नहीं पता है, वो तो सिर्फ यश की फ्रेंड है। रजनी, अब हमें कैसे भी करके तुम्हारी माँ तक पहुँचना होगा। क्या तुम्हें अपनी माँ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है? नहीं सर, मेरी माँ तो भूतों के साथ रहती है, इसलिए मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। मामला बहुत सीरियस हो गया है, मुझे कैसे भी करके यश को बचाना होगा। इसके बाद मेहुल तुरंत आलिया को कॉल करता है और उसे अपनी लोकेशन सेंड करके बोलता है, आलिया, यश की जान खतरे में है, तुम पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर आ जाओ और अपनी और यश की गन भी लेके आना। अय्या, मेरी गन तो भूल भुलैया साइंटिस्ट के घर में है। आलिया तुरंत अपनी बाइक साइंटिस्ट के घर की तरफ मोड़ लेती है और साइंटिस्ट तक पहुँच जाती है। भूलभुलैया साइंटिस्ट को आलिया पूरा मामला बताती है तो भूलभुलैया साइंटिस्ट कहता है, अच्छा तो ये बात है, तुम यहीं पर रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाता हूँ। इसके बाद भूलभुलैया साइंटिस्ट अपनी स्पेशल लैब में जाता है और अपनी तिजोरी से फायर गन निकालता है। साइंटिस्ट दो फायर गन लेके आलिया के पास पहुँच जाता है। आलिया, भूतों को आग से बहुत डर लगता है, इसलिए मैंने ये फायर गन बनाई है, एक गन मेहुल को दे देना और एक गन अपने पास रखना। आलिया भूलभुलैया साइंटिस्ट को थैंक यू बोलती है और तुरंत वहां से जंगल की तरफ निकल पड़ती है जहां पर मेहुल था। यश द कोस्ट हंटर का घर बादलों के ऊपर है, वहां जाने में और गन लाने में बहुत समय लग जाएगा, ये फायर गन लेके ही मेहुल सर तक पहुंच जाती हूँ। थोड़ी देर बाद आलिया मेहुल के पास पहुंच जाती है। सर, भूलभुलैया साइंटिस्ट ने आपके लिए ये फायर गन दी है। आलिया, यश की गन कहाँ है, तुम वो लेके नहीं आई? आलिया, तुम छोटी बच्ची हो क्या, वो कैसे भूल गई? सर उसमें टाइम लग जाता था। ठीक है, बिना यश की गन के हम भूतों की रक्षक को पकड़ लेंगे। इसके बाद मेहुल और आलिया रजनी के साथ मिलकर भूतों की रक्षक तक पहुंचने का प्लान बनाने लगते हैं। उधर भूतों की रक्षक ने यश को एक बड़े से पिंजरे में बंद करके रखा था। भूतों की रक्षक ने यश की बहुत पिटाई की थी, इसलिए यश की पूरी बॉडी से खून निकल रहा था। यश को जंगल के अंदर पुरानी सी हवेली में कैद करके रखा था। हवेली के बाहर बहुत सारे भूत पहरा दे रहे थे ताकि कोई अंदर ना आ सके। मैं हूं भूतों की रक्षक, आज मैं तुम्हारी चढ़ा दूंगी बलि
और तुम्हारे खून की मदद से मैं भी बन जाऊंगी भूत और फिर बन जाऊंगी भूतों की महारानी। अब तक तो पुलिस ने डिटेक्टिव मेहुल को तुम्हारे बारे में बता दिया होगा, वो मुझे बचा लेगा। तुम्हें मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। इसके बाद भूतों की रक्षक यज्ञ करने लगती है, आग जलाने लगती है। आज वो यश को मारने वाली थी। आग में सबसे पहले दूध डालती है, फिर दही डालती है और फिर कुछ लकड़ी के टुकड़े डाल देती है और भूतों की रक्षक यज्ञ शुरू कर देती है। और उधर मेहुल आलिया और रजनी के साथ भूतों की रक्षक को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। मेहुल बार बार रजनी से भूतों की रक्षक के बारे में पूछ रहा था क्योंकि वो उसकी माँ थी। देखो रजनी, भूतों की रक्षक तुम्हारी माँ है, इसलिए तुम बड़ी आसानी से उसका पता कर सकती हो। सर, अगर जंगल में कोई भूत मिल जाए तो उसकी मदद से मैं पता कर सकती हूँ। सर, भूतों की बात सुनकर मुझे तो डर लग रहा है। डरो मत आलिया, रजनी हमारे साथ है और वो भूतों के बारे में अच्छी तरह से जानती है। भूतों की रक्षक को ढूंढते ढूंढते मेहुल आर्य और रजनी एक तालाब के किनारे पहुंच जाते हैं। मेहुल को प्यास लग रही थी लेकिन तालाब का पानी बहुत गंदा था। मेहुल तालाब के पानी को गौर से देखता है तो उसे अपनी परछाई दिखती है, लेकिन मेहुल को कुछ गड़बड़ लगती है। मेहुल तुरंत रजनी को आवाज लगाता है, रजनी जल्दी से यहाँ आओ, यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। रजनी तुरंत दौड़कर तालाब के पास आती है, लेकिन जैसे ही रजनी तालाब के पास आती है उसकी घड़ी में कुछ एक्टिविटी होने लगती है। यहाँ पर तो भूत है। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, मतलब भूत तालाब के अंदर है। भूत की बात सुनकर आलिया डर जाती है और पेड़ के ऊपर चढ़ जाती है। रजनी अपनी स्पेशल वॉच की मदद से भूत की एग्जैक्ट लोकेशन ट्रैक कर लेती है और तालाब के अंदर छलांग लगा देती है। जैसे ही रजनी तालाब के अंदर डूब जाती है मेहुल एकदम घबरा जाता है, लेकिन कुछ सेकंड बाद रजनी भूत को पकड़कर तालाब से बाहर आ जाती है। रजनी, तुम तो बहुत ही बहादुर लड़की हो और आलिया देखो कितना डरपोक निकली। मेहुल की बात सुनकर आलिया को गुस्सा आ जाता है और वो मेहुल से कहती है, सर मैं डरपोक नहीं हूँ, वो क्या है कि भूतों से मुझे डर लगता है इसलिए पेड़ पर चढ़ गई थी। हाँ, मुझे पता है आलिया, तुम बहादुर हो, अब जल्दी से नीचे आ जाओ। इसके बाद रजनी उस भूत से भूतों के रक्षक के बारे में पूछताछ करती है तो वो भूत कहता है, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा लेकिन मुझे गोस्तवल में जाने का रास्ता बताना होगा, मुझे इस मनुष्य की दुनिया से आजाद होना है। रास्ता हमें तो नहीं पता है लेकिन अगर तुम हमारी मदद करोगे तो यश तुम्हारी मदद कर देगा गोस्तवल तक जाने के लिए। इसके बाद वो भूत बताता है कि भूतों की रक्षक ने यश द गोस्ट हंटर को उत्तर दिशा की तरफ एक हवेली में किडनैप करके रखा है और वो आज रात उसकी बलि देने वाली है जिससे वो भूतों की महारानी बन सके। इतना सुनते ही मेहुल एकदम घबरा जाता है। रजनी, हमें जल्दी से जल्दी उत्तर दिशा की तरफ जाना होगा, यश की जान खतरे में है। रजनी उस भूत को छोड़ देती है और कहती है, यश को छुड़ाने के बाद हम यहाँ आएंगे और गोस्तवल में जाने का रास्ता तुम्हें बता देंगे। और वो लोग उत्तर दिशा की तरफ निकल पड़ते हैं। थोड़ी देर बाद मेहुल आलिया और रजनी को एक हवेली दिखाई देती है। सर, वो ये वही हवेली है जिसमे मेरी माँ ने यश को किडनैप करके रखा होगा। मेहुल आलिया और रजनी हवेली के सामने पहुंचकर एक पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। सर, सीधा अंदर चलकर भूतों की रक्षक को पकड़ लेते हैं, हम छुप क्यों गए हैं? हवेली के बाहर कोई दिख नहीं रहा है लेकिन जमीन पे देखो पैरों के निशान बन रहे हैं, मतलब जरूर यहाँ बहुत सारे भूत हैं जो पहरेदारी कर रहे हैं। हमें समझदारी से काम लेना होगा, शाम भी हो चुकी है, मैं कैसे भी करके हवेली के अंदर जल्दी से जल्दी जाना होगा क्योंकि भूतों की रक्षक रात होते ही यश की बलि दे देगी। सर, हमारे पास फायर गन है, हम फायर गन की मदद से भूतों को मार देंगे। नहीं आलिया, अगर फायर गन से फायर किया तो भूतों की रक्षक को पता चल जाएगा। रजनी, तुम भूतों के बारे में अच्छे से जानती हो, हमें कैसे भी करके अंदर ले चलो। चिंता मत करो मेहुल, यश को कुछ नहीं होगा, मैं कुछ करती हूँ। इसके बाद रजनी मेहुल और आलिया को बताती है कि वो अकेली हवेली के अंदर जाएगी और हवेली के अंदर जाके वो कुछ इशारा करेगी और फिर तुम दोनों अंदर आ जाना। रजनी, तुम मेरी ब्लास्टिंग गन लेकर अंदर जाओ और इससे फायर करके तुम हमें इशारा कर देना। इसके बाद रजनी गन को अपने कपड़ों में छुपा लेती है और हवेली के तरफ जाने लगती है। हवेली के पास पहुंचते ही दो बड़े बड़े भूत रजनी के सामने आ जाते हैं। कौन हो तुम? मैं भूतों की रक्षक की बेटी हूँ और अपनी माँ से मिलने जा रही हूँ। दरवाजा खुलते ही रजनी तुरंत हवेली के अंदर चली जाती है। हवेली के अंदर रजनी की माँ यानी भूतों की रक्षक यज्ञ कर रही थी और उसने यश को एक प्रिजन में बेहोश करके लटका रखा था। रजनी तुरंत अपने माँ के पास जाती है और चिल्लाकर कहती है, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, ये मेरा अच्छा दोस्त है। इस छोकरे ने मुझे पकड़ के पुलिस के हवाले कर दिया था और ये भूतों को पकड़ के रखता है, उन्हें परेशान करता है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। रजनी अपनी माँ से काफी रिक्वेस्ट करती है लेकिन भूतों की रक्षक उसकी एक नहीं सुनती। फाइनली रजनी यश को बचाने का उपाय सोचने लगती है। अगर मैंने गन से प्रिजन की रस्सी को तोड़ दिया तो प्रिजन नीचे गिरकर टूट जाएगा और यश बाहर आ जाएगा। लेकिन भूतों की रक्षक ने यश को जिस जगह पर लटका कर रखा था उसके नीचे गर्म कोयला बिछा हुआ था, मतलब प्रिजन जैसे ही नीचे गिरेगा यश जल जाएगा। रजनी ब्लास्टिंग गन से पहले फायर कर उस पानी के बर्तन को तोड़ देती है।
उसका सारा पानी गर्म कोयले पर गिर जाता है और कोयला ठंडा हो जाता है। इसके बाद रजनी अग्नि फायर से प्रिजन की रस्सी तोड़ देती है और प्रिजन नीचे गिरकर टूट जाता है, लेकिन यश अभी भी बेहोश था। ये सब देखकर भूतों के रक्षक को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो अपनी बेटी रजनी के ऊपर जादू करने लगती है। रजनी भी अपनी गाड़ी से जादू करके अपनी माँ से फाइट करने लगती है। दोनों के बीच में जोरदार फाइट होती है। भूतों के रक्षक रजनी के ऊपर हक के कोले बरसाती है, लेकिन रजनी अपनी घड़ी की मदद से अपने चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बना लेती है। उधर फायरिंग की आवाज सुनकर मेहुल आलिया से कहता है, आलिया अपनी गन लेकर तैयार हो जाओ, लगता है रजनी हमें अंदर बुला रही है। मेहुल और आलिया तुरंत दौड़ लगाकर हवेली की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन हवेली के बाहर खड़े दोनों भूत मेहुल और आलिया के ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन मेहुल और आलिया फायर गन से फायरिंग करने लगते हैं, जिससे भूत पीछे हटने लगते हैं। आलिया लगातार भूतों के ऊपर फायरिंग कर रही थी और मेहुल अंदर जाने का रास्ता खोल रहा था, तभी अचानक एक भूत अपने जादू से एक बड़ी चट्टान उठाकर मेहुल की तरफ फेंक देता है। चट्टान तेजी से मेहुल की तरफ आ रही थी। मेहुल नीचे झुक जाता है और चट्टान जाकर हवेली के दरवाजे से टकरा जाती है, जिससे हवेली का दरवाजा टूट जाता है। वाह क्या बात है सर, आपने भूत से ही दरवाजा खुलवा लिया। मेरी तारीफ करना बंद करो और पीछे देखो, भूत तुम्हारे ऊपर हमला कर रहा है। मेहुल तुरंत अपनी फायर गन से दोनों भूतों पे आग छोड़ता है। आग से भूत पीछे हो जाते हैं और इसके बाद मेहुल और आलिया तुरंत हवेली के अंदर चले जाते हैं। हवेली के अंदर रजनी भूतों के रक्षक से लड़ रही थी और बगल में यश बेहोश पड़ा था। आलिया तुम जाकर यश को देखो, मैं भूतों के रक्षक से निपटता हूँ। आलिया यश की तरफ जाने लगती है, तभी अचानक भूतों की रक्षक एक मंत्र पढ़ती है और वहाँ पर एक नहीं बल्कि दो यश दिखाई देने लगते हैं। और दोनों यश की कंडीशन बिल्कुल सेम थी, मतलब दोनों यश बेहोश थे, लेकिन उन दोनों में से एक यश नकली है। आलिया तुरंत समझ जाती है कि दोनों में कौन सा यश नकली है। आलिया तुरंत पहले वाले यश के पास जाती है और उसे जगाने लगती है। यश को होश आ जाता है। अरे यार, ये मेरा सर भारी क्यों लग रहा है, मुझे पूरा यकीन था मेहुल मुझे बचाने जरूर आएगा। इसके बाद यश खड़ा होने की कोशिश करता है, लेकिन यश काफी वीक फील कर रहा था क्योंकि भूतों के रक्षक ने उसकी बहुत पिटाई की थी। भूतों की रक्षक अपने जादू से मेहुल और रजनी से फाइट कर रही थी। मेहुल फायर गन से भूतों की रक्षक को परेशान कर रहा था और रजनी अपनी जादू घड़ी से जादू कर रही थी। मेहुल यश को देख लेता है। यश पीछे से मेहुल को अंगूठा दिखाता है और मेहुल भूतों की रक्षक को उलझा कर रखता है, लेकिन भूतों की रक्षक एक मंत्र पढ़कर जादू कर देती है, जिससे मेहुल की फायर गन टूट जाती है और मेहुल हवा में उड़ने लगता है। आलिया कुछ करो, अगर मैं नीचे गिर गया तो मेरे हाथ पैर टूट जाएंगे। हवा में उड़ने के बाद मेहुल नीचे गिरने लगता है। आलिया मेहुल को बचाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन मेहुल नीचे गिर जाता है और उसे बहुत चोट लग जाती है। इतने में यश पीछे से जाकर भूतों के रक्षक के पैर खींच देता है और भूतों के रक्षक मुंह के बल नीचे गिर जाती है। मौका पाकर रजनी भूतों के रक्षक को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन भूतों के रक्षक अपने जादू से दो डुप्लीकेट रक्षक बना देती है। अब वहाँ एक नहीं बल्कि तीन तीन भूतों के रक्षक थी। यश और रजनी को समझ नहीं आ रहा था कि असली वाली भूतों की रक्षक कौन है। दूसरी वाली को ध्यान से देखिए, उसकी नाक लाल है और अभी अभी यश ने उसका पैर खींच दिया था, जिससे वो मुंह के बल नीचे गिर गई थी और उसकी नाक लाल हो गई थी। यश तुरंत दूसरी वाली के पास जाता है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन भूतों की रक्षक अपना जादू करके यश की बॉडी में आग लगा देती है। अरे रजनी, जल्दी से ये आग बुझाओ वरना मैं जल जाऊंगा। रजनी अपनी घड़ी से आग बुझा देती है। तू मेरी बेटी होकर इन लोगों का साथ दे रही है, मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगी। तुम भूतों का साथ दे रही हो माँ, लेकिन मैं सच्चाई के लिए लड़ रही हूँ, तो ये लो। और भूतों की रक्षक अपनी पूरी पावर यूज करके रजनी के ऊपर जादू कर देती है और रजनी दूर जाके गिरती है। और डिटेक्टिव मेहुल एक कांच का टुकड़ा उठाता है और निशाना लगाकर भूतों की रक्षक के सिर पे मार देता है। कांच का टुकड़ा सीधे जाके भूतों की रक्षक के सर पर लगता है और वो नीचे गिर जाती है। मौका पाकर यश अपनी शर्ट से भूतों की रक्षक के दोनों हाथ बांध देता है। अब तुम्हारा खेल खत्म है बुढ़िया। अरे रजनी, तुम तो घायल हो गई हो। इसके बाद सारे लोग मिलकर रजनी के पास जाते हैं और उसे उठाते हैं। हमने तुम्हारी माँ को पकड़ लिया है, अब टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन उतने में ड्रैकुला तांत्रिक आ जाता है और जादू करके सभी लोगों को हवा में उड़ा देता है और उन्हें एक रस्सी से बांध देता है। आज मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं, और लॉजिकल आर्मी तुम लोगों को भी नहीं। तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, जल्दी से सब्सक्राइब करो। मेरे पास मेरी बंदूक नहीं है, नहीं तो ड्रैकुला तांत्रिक को मजा चकाता था। भूतों की रक्षक, तुम भूतों की महारानी बनना चाहती हो? तुम इंसान हो, तुम हमारी महारानी कभी नहीं बन सकती। और फिर वो आग का गोला उठा के भूतों की रक्षक के ऊपर मारने लगता है। भूतों की रक्षक जलने लगती है। ये सब देख रजनी को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी वॉच के मैजिक से रस्सी तोड़ देती है और उसके हाथ से आग के गोले निकलने लगते हैं। वो आग की गोली तांत्रिक पे मारने लगती है। एक, दो, तीन, चार। रजनी का गुस्सा जैसे जैसे बढ़ता जा रहा था, उसकी ताकत बढ़ती जा रही थी। वो हवा में उड़ने लगती है
उसके हाथों से और फायर निकलने लगती है, आंखें भी लाल हो जाती है, उसकी आंखों से लेजर निकलने लगती है। ये सब देख ड्रैकुला तांत्रिक एकदम डर जाता है और वहां से भाग जाता है। लेकिन रजनी अपनी लेजर को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, कभी वो लेजर ऊपर छोड़ रही थी तो कभी नीचे। एक लेजर जाके मेहुल की गन पे लग जाती है और गन में आग लग जाती है। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे क्या हो गया है? रजनी एकदम घबरा जाती है और वहां से गायब हो जाती है। ये रजनी के पास लगता है बहुत सारे पावर्स है और ये इन्हें कंट्रोल नहीं कर पा रही है, मुझे रजनी को ढूंढना होगा। और दूसरी तरफ मेहुल पानी लाके भूतों के रक्षक की आग बुझा देता है। ऐसे पावर्स यश तुम्हारे पास भी है जो तुम्हें नहीं पता है, उन्हीं की मदद से मैं भूतों की महारानी बनना चाहती थी। स्पेशल पावर्स और मुझमें? इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। मेहुल इसके बाद तुरंत यश को हॉस्पिटल में भर्ती करा देता है और भूतों की रक्षक को एक स्पेशल प्रिजन में बंद कर देता है। मेहुल, आलिया और रजनी ने यश को तो बचा लिया, लेकिन रजनी के पास ये स्पेशल पावर्स क्या है और क्या अपने पावर्स के बारे में कभी यश पता कर पाएगा? देखेंगे हम आगे के एपिसोड्स में। थैंक यू।